सो हाय गाइस, व्हाट्स अप क्रेजीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गोवा के लिए निकल चुका हूँ। ये है कुछ हमारी बस, तो इसी बस में हम जाएंगे गोवा। यहाँ पे होटल पे अभी रुके हैं, देख सोचा कि चलो आपसे बात कर लूँ। ये पूरा ऐसा हल्दी कोट करके नाम है, वोल्वो की बस है। और भैया गए खाना खाने के लिए। पूरी बस खाली है। इधर मेरा फर्स्ट सिटी है, आपको मैं लेके चलूँगा पूरी मेरी जर्नी की ओर। गोवा कैसा है देखते हैं। मैंने आज से पहले कभी विज़िट नहीं किया है, तो मेरा विज़िट हो जाएगा। मरगांव सिटी आ गया भैया, बहुत ही अच्छा सिटी है। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ कोलवा बीच। आपको मैंने बोला था ना कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं आ गया हूँ अभी कोलवा बीच पे। और मस्त यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हो रही है। उधर ऐसा गुब्बारा जैसा लग रहा है कि वो एक्टिविटी चल। इधर गोवा मतलब बात ही कुछ अलग है ना। वो उधर लाइफ गार्ड भी रहते हैं, देखो अगर किसी को कुछ भी हुआ तो इधर से निकल के वो लोग जाते हैं यहाँ पे बचाने के लिए। बहुत ही अच्छा है, मस्त बीच है इधर। एक्टिविटीज़ वगैरह देखते हैं करते हैं कि नहीं कुछ। आज तो कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि साथ में बैग वगैरह है। तो देखते हैं, कल शायद पक्का करेंगे, क्योंकि कल सुबह को मैं आपके लिए एक सरप्राइजिंग बीच पर जाने वाला हूँ। बहुत बड़े बड़े मोजे आ रहे हैं पीछे से। तो गाइज हमारा जेट स्की राइड होने वाला है। इसका टिकट रहता है 800 रुपीज़ अगर हम खुद ड्राइव करते हैं तो। अगर वो लोग सिखाते हैं तो 600 रहता है। चलो ये आ गया जैकेट, इसको पहनेंगे। ये बैग भैया को दे देंगे, वो रखेंगे अपने पास। ये हमने पहन लिया है, भैया कस रहे हैं। हम जाएंगे अभी जेट स्की राइड करने के लिए, बड़ा मज़ा आएगा। वो हमारी राइड है, वो तैयार हो रही है। आप मज़ा लीजिए। बीच पे तो रास्ते में मुझे भूख लग रहा था, तो दही बड़ा मंगा लिया है। खाने के बाद निकलते हैं। अभी भी आधे घंटे का मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि इधर मैं जहाँ पे था वहाँ से 44 किलोमीटर हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले उधर जाके बाद में पंजिम जाऊँगा, तो मैंने उस तरीके से रूट को सेट किया है। और गोवा सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। आप बस देखते रहिए आगे। सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ बाघा बीच पे, और देखते हैं अभी इधर कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी अच्छा लगेगा तो वो करेंगे। अब देखो एक बार क्या नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पूरा देखो वो बाघा बीच, और उधर वो सब स्पोर्ट एक्टिविटी हो रहा है, आप देख पा रहे होगे।
पानी बहुत ज़्यादा इधर डरावना है। तो गाइस मैं जाऊंगा अभी पैरासीलिंग के लिए, कपड़े पहना लिए और बस पीछे से बोट आएगी तो उस बोट में बैठ के जाने का है। पैरासीलिंग का एक्सपीरियंस अलग ही रहने वाला है मेरे लिए, फर्स्ट टाइम है इसलिए। गाइस इस बोट में अब हम बैठने वाले हैं, बड़ा मज़ा आएगा। बड़ी बड़ी लहर को पार करके हम जा रहे हैं। तो गाइस देखो वो अंकल हमारे साथ जो आए थे उनको पैरासीलिंग खत्म हो गया। अब बड़ा मजा आ रहा है, बोट चला रहे हैं आगे शिप। गाइस वहाँ पीछे बीच है, बीच ख़त्म करके स्पोर्ट एक्टिविटी करके बाद में यहाँ पे मैं आ गया हूँ बाहर। तो यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए सब कुछ है। यहाँ पे पूरा पार्किंग एरिया है और फोर व्हील टू व्हील बस वगैरह उधर ही रहते हैं। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे रखवाई थी, 20 रुपीज़ चार्ज लेते हैं बस। और अभी चलते हैं आगे। थोड़ा पी लेते हैं बाद में चलते हैं आगे कहीं पे देखेंगे। भैया का डालने का स्टाइल बहुत मस्त है। वाह चलो आ गया, एंजॉय करते हैं इसको। तो गाइस मैं खाना खाने के लिए आ गया हूँ। मैंने इसमें से आपको पता ही होगा कुछ ऑर्डर नहीं ही किया होगा, इसमें से किया है क्योंकि ये चीज़ हम नहीं करते हैं। बहुत सारी वैरायटी है तो इधर से खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं घोड़ा फोर्ट, उधर जाके आएंगे। तो गाइस ये है गोवा की बाज़ार। अभी मैं चलाते चलाते लेके जा रहा हूँ, स्पीड थोड़ी कम रखी है क्योंकि पुलिस का कुछ नक्की नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे फिका और बस ऐसा ही कुछ है गोवा। तो गोवा की गलियाँ में मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे रोड एक भी मुझे ख़राब नहीं दिखा है कहीं पे भी। सब ऐसे मस्त रोड है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बंजी जंपिंग भी करवाया जाता है, बढ़िया है सब अभी तक तो, मज़ा आ रहा है। खाना खा लिया है और अभी निकल गया वो अगड़ा फोर्ट जाने के लिए, उधर जाके मैं आपको मिलता हूँ। सो गाइस आ गया अगड़ा फोर्ट। अब यहाँ से एंट्री है, चल के जाना है आगे बड़ी दूर तक। ये फोर्ट का कुछ तो हिस्ट्री रहेगा मालूम नहीं है, आगे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। फोर्ट में एंट्री करने के लिए पहले इधर टिकट काउंटर पे टिकट लेने का, बाद में वो आगे जाने देते हैं। टिकट हमने ले लिया है, 20 रुपीज़ का एंट्री है और 5 रुपीज़ जेसी का है, कुछ इस तरीके से टिकट आता है। यही फोर्ट है आगे, आपको यहाँ दिख रहा होगा। इधर से ऐसा रास्ता है जाएगा ऊपर। तो ये इतना बड़ा कुछ फोर्ट है, इसके बारे में हिस्ट्री इधर से लिखी है, 1510 के साल से ये हुआ है।
यही गोवा को ओल्ड सिटी बोला जाता है, ओल्ड गोवा। तो कुछ इस तरीके से हम विज़िट करेंगे, तो अंदर से ये फोर्ट कुछ इस तरीके से है। कुछ पेंटिंग्स लगा है इधर बिफोर एंड आफ्टर। और यहाँ पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीढ़ियाँ है जो चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। तो सीढ़ियाँ बहुत पुराने ज़माने के लग रही है, कुछ देखो आप कैसी हो गई है। ये लाइट हाउस का एरिया है जहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड ऐसा लिखा है, मतलब जो राजा होंगे उन्हीं का कुछ है इधर। और बाजू में ये गोवा का आ गया है ओशन, इंडियन ओशन। इधर कुछ काम भी चल रहा है अभी, वर्क इन प्रोग्रेस। वहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे बाजू में हेलीपैड भी है उस तरफ, ये जो एरिया ना उसके उस तरफ। तो अच्छा खासा जगह है, बड़ा बड़ा। ये दादाजी अपनी मस्ती में वापस आ गए हैं, बोल रहे हैं मेरा फ़ोटो खींचो फ़ोटो खींचो, सब मज़ा करने आ रहे हैं इधर। कितना बड़ा फोर्ट है आप देख सकते हो, ये चारों तरफ ऐसे ऐसे गोले हैं। तो कोई किसी को भी फ़ोटो सेशन करना है तो इधर कर सकता है, बाकी का ये बीच में कुछ है। चला वो एसी के पैसे तो ले लिए, लेकिन एसी वाला है ही नहीं कहीं पे, पता नहीं क्या चल रहा है इधर। फुल रील बाजी चल रही है और हमारे नए दोस्तों को मिलो। ये भैया, ये भैया नाम तो मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन अब आगे जहाँ पे जाने वाले हैं तो उधर साथ में ही चलेंगे। ये फोर्ट में वैसे कुछ दिखा नहीं देखने जैसा, साला 25 रुपये बेस्ट हुआ, 25 नहीं 75। हाँ वो उसको भी दिया टिकट वाले को। पूरा भंगार है। ओह माय गॉड, पूरे महल में बस यही देखने के लिए था, उसमें भी ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। क्या पता किधर भी छुपा के रखा होगा, चला ऐसा कुछ है इधर हमको तो दिखा ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो आगे दूसरा जो फोर्ट है वहाँ पे हम जाएंगे।